नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक मोहना, चर्म रोग विशेषज्ञ एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आज आपको सफ़ेद दाग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सफ़ेद दाग से करीबन 1% जनरल पॉपुलेशन सफ़र करती है, मतलब भारतवर्ष में ही 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग सफ़ेद दाग से ग्रसित हैं। और अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि सफ़ेद दाग के रोगियों को उनकी ना ही बीमारी ना ही इलाज के बारे में जानकारी होती है, जिस कारण से वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, भटकते रहते हैं, जो जैसा बता देता है वैसा इलाज करते हैं, नीम हकीमों के पास जाते हैं, अपने स्तर पर अपने विवेक अनुसार इलाज करते रहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण उनका समय और पैसा दोनों व्यर्थ होता है। तो आज मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकूँ, जिससे कि आप सही रास्ते पर चलें और मंजिल तक पहुँच सकें। हर सफ़ेद दाग की रोगी के मन में हजारों तरह के सवाल आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सवाल आता है कि सफ़ेद दाग क्यों होते हैं, और फट से दूसरा सवाल आता है कि मुझे ही क्यों हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफ़ेद दाग का आखिर कारण क्या है। सफ़ेद दाग कुछ शारीरिक आंतरिक बदलावों के कारण होते हैं, जिसके शरीर के अंदर एक आग प्रज्वलित होती है, जिसको कि इंग्लिश में हम ऑटोइम्यून डिसीज़ और हिंदी में स्वप्रतिरक्षित रोग बोलते हैं। और ये जो आंतरिक बदलाव है, इसके कारण जो रंग बनाने वाली कोशिका है, जिसको मेलानोसाइट बोलते हैं, वो मर जाती है। और जहाँ जहाँ मेलानोसाइट्स मर जाते हैं, ये कोशिका मर जाती है, वो जगह सफ़ेद हो जाती है। तो कुछ एक हिस्से से ये सफ़ेद दाग फैलते हुए पूरे शरीर पर या आधे शरीर पर या शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में फैल जाते हैं। इस तरह के सफ़ेद दाग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एक सेगमेंटल टाइप होता है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर हिस्से में फैलते हैं। एक जनरलाइज्ड टाइप होता है, जिसमें कि शरीर के बहुत सारे हिस्से में सफ़ेद दाग फैलते हैं। दूसरा, सफ़ेद दाग के रोगियों को आज के समय में बहुत सारा सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। क्या क्या ये होता है? लोगों की शादियां ना होना, रिश्ते टूट जाना, नौकरियाँ छूट जाना, यहाँ तक कि सिर्फ अगर कोई हाथ मिलाने से ही एक सफ़ेद दाग के रोगी से मना कर देता है, तो उसके मन में एक चोट होती है और रात में वो सोचता है कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो सामने वाले ने मुझसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। इन सब का कारण है, सामाजिक दुर्व्यवहार का कारण है, सामाजिक भेदभाव का कारण है, जो पुराने समय से एक सोच चली आ रही है। क्या है ये सोच? 400-500 साल पहले से एक सोच चली आ रही है, जब कोई डॉक्टर्स नहीं थे, जब रिसर्च नहीं थी, तो सफ़ेद दाग को और कुष्ठ रोग को एक ही चीज़ माना जाता था। सफ़ेद दाग को श्वेत कुष्ठ बोला जाता था, जिसमें कि कुष्ठ रोग छूने से फैल सकता है, एक से दूसरे को हो सकता है, इसी तरीके से सफ़ेद दाग को भी छूने से फैलने वाली बीमारी माना जाता था। लेकिन अब डॉक्टरों द्वारा, रिसर्च द्वारा ये प्रूव कर दिया गया है कि सफ़ेद दाग एक अलग चीज़ है, कुष्ठ रोग एक अलग चीज़ है। सफ़ेद दाग छूने से नहीं फैलते, सफ़ेद दाग एक से दूसरे को नहीं होते, सफ़ेद दाग कोई कुष्ठ रोग नहीं है। लेकिन फिर भी समाज को हम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, और ऐसे समय में ज़रूरी है सफ़ेद दाग के रोगियों के लिए कि वो अपने दिमाग में ये जानकारी, ये ज्ञान स्वरूपी प्रकाश को दिमाग में बैठा कर रखें, जिससे कि उनको रोग से लड़ने की शक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ वो समाज में दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे बदल पाएंगे। सफ़ेद दाग से जुड़े हुए खान पीन संबंधी बहुत सारी चीज़ लोग बताते हैं। बहुत सारे परहेज सफ़ेद दाग के रोगियों को बताया जाता है। जब भी किसी से परामर्श करते हैं तो उनको बताया जाता है, आप खटाई मत खाइए, अचार मत खाइए, बैंगन मत खाइए, दूध मत पीजिए, सफ़ेद दाग है सफ़ेद चीज़ मत खाइए, दूध के साथ मछली मत खाइए। जबकि आज तक पूरी दुनिया में किसी भी रिसर्च ने ये प्रूव नहीं किया है कि ये खाने की चीज़ से सफ़ेद दाग हो जाते हैं। किसी भी खाने की चीज़ से सफ़ेद दाग नहीं होते हैं। और आप सभी लोगों को मेरा ये सुझाव रहेगा कि एक हेल्दी डाइट, पौष्टिक डाइट, एक बैलेंस डाइट, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, दही सब कुछ हो, जिससे कि आपको रोग से लड़ने की शक्ति मिले और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें।